بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی روزے کی فرضیت جس آیت میں بتلائی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے. یعنی ایک آدمی روزے دار ہے اور دن بھر کوئی اس کا یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ روزے سے، گرمی سخت ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، پسینے سے شرابور ہے، خوب پیاس کی شدت بھی ہے، اور وہ تنہائی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور اس ٹھنڈے پانی سے کنی کرتے وقت منہ میں ٹھنڈا پانی ہے، برابر میں دیکھنے والا یا برابر میں بیٹھا ہوا اس کو بھی پتہ نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو چند قطرات اپنے حلق سے نیچے اتار سکتا ہے، جسم کہہ رہا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے اور پیاس بھی شدید ہے، سخت پیاس ہے، لیکن اس کے خیال میں اس پروردگار کا دھیان ہے کہ جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے. کیونکہ اللہم انی لک صمت، جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وہ تیرے ہی اوپر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے، تو اس پروردگار کا خیال اس کے جسمانی پیاس کے تقاضے کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اسی کا نام تھا، اس دھیان ہی کا نام تقویٰ ہے. چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے. رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. حدیث پاک کے اندر جہاں سات قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دی جائے گی، جہاں میدان محشر میں علاوہ خدا کے عرش کے کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، اور بڑی تپش ہوگی وہاں، اور ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. اس موقع پر ان سات قسم کے انسانوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو کوئی ایسی ذی حیثیت اور حسن و جمال والی عورت اپنی طرف مائل کرے اور پھر وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو دھیان ہے،
उसके जरिए से इंसान बेशुमार गुनाहों से बचता है। तो इसलिए फरमाया गया ये जो रोजा है ये रोजे के जरिए से खुदा का ध्यान आता है, और जब अल्लाह का ध्यान आता है तो इंसान नेकियों की तरफ राविद होता है और गुनाहों से बचता है। इसी तरह से जिस तरह से तकवा या तकवे के हासिल करने में रोजा मुईन और मददगार है, इसी तरह से सालिहीन की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, उलमा की सोहबत, अहलुल्लाह की सोहबत, जो लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं उनके पास उठने बैठने से भी अल्लाह तबारक व तआला तकवे की दौलत अता फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया है कि सादिकीन के साथ अपना उठना बैठना शुरू करो। इस वक्त में आमतौर पर लोगों के जहन में ये बात है कि अब कहाँ वो बुजुर्ग रहे, कहाँ वो अल्लाह वाले रहे। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, ये फैसला कुरान का है। कुरान कह रहा है कूनू मअस्सादिकीन, यानी सच्चों के साथ रहो। इसका मतलब ये है कि सच्चे मौजूद हैं, सच्चे रहेंगे। ये बात अलग है कि हमारी तलाश और जुस्तजू में वो हमको देर से मिले, लेकिन ऐसे लोग कयामत तक इस सुबह तक रहेंगे। यानी ईमान वालों के साथ साथ में तकवे वाले लोग, परहेजगारी वाले लोग, अहलुल्लाह और सालिहीन रहेंगे। इसलिए उनके साथ रहने से खुदा का ध्यान आता है, शरीयत पर अमल करना आसान होता है, अपनी गलतियों का पता लगता है, और जब आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है तो अल्लाह ताला फिर उसे तौबा की तौफीक देते हैं, और जब बंदा अल्लाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। रही बात ये कि ये जो ईमान वाले और सादिकीन और अहलुल्लाह, ये तो रूहानी रिजा वाले लोग हैं, इनकी मजलिस का तो असर होना ही होना है। बेजानदार चीजों का भी असर होता है। आपने कभी चमेली का तेल इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ख्याल इस तरफ नहीं गया होगा कि ये चमेली का तेल क्या चमेली के फूलों से निकलता है? नहीं, ये चमेली का तेल तिल जो होता है, तिल्ली का तेल जिससे निकलता है, तिल के ऊपर, चाहे वो सफेद तिल हो, उसके ऊपर एक बिछार तिलों की लगाई जाती है, फिर उसके बाद चमेली के फूलों की लगाई जाती है। और तिल ऐसे नहीं रखे जाते, तिल के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसको रगड़ करके उस झिल्ली को उतारा जाता है, फिर उसके बाद में तिल की तह लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर चमेली के फूलों की तह लगाई जाती है, और फिर बनाने वाले एक वक्त तक उसको इस तरह से रखते हैं, उन फूलों की खुशबू उन तिलों में सरायत कर जाती है, फिर वो जो तेल निकलता है तो उसमें खुशबू मुकम्मल चमेली ही की होती है, इसी को चमेली का तेल बोलते हैं। यानी जब तिलों की सोहबत फूलों में रहने से तिलों की खासियत बदल गई और वो चमेली का तेल बन गया, तो अच्छे लोगों के साथ रहने से इंसान की जिंदगी के अंदर नुमाया तौर पर तब्दीली हासिल होती है। एक शख्स हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि हजरत मुझे गुस्सा बहुत आता है, बार बार गुस्सा आता है। बहरहाल हजरत ने उन्हें जो कुछ पढ़ने के लिए बताया वो तो बताया ही, उसके बाद फरमाया कि फला बुजुर्ग फना इलाके में, तुम्हारे इलाके में रहते हैं, तुम्हें उनकी मजलिस में आने जाने को इख्तियार करना चाहिए।
उसने इस बात पर अमल किया। थोड़े ही दिनों में उनकी वो गुस्से की कैफियत हिल्म में तब्दील हो गई। वापसी पर कई दिनों के बाद मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हो गया। क्या हजरत, बहुत तब्दीली महसूस हो रही है। हजरत ने फरमाया, जिन बुजुर्ग के पास मैंने भेजा था अल्लाह ताला ने उन्हें हिल्म अता किया है, वो बड़े ही हलीम थे, उनकी सिफत का असर तुम्हारा उठना बैठना आना जाना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी ये कैफियत पैदा हो गई है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुलत, सोहबत तालेह तुरा तालेह, नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक कर देगी और बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुराई में डाल देगी। इसलिए हमें चाहिए खुद भी अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी औलाद की भी हम निगरानी करें कि हमारे बच्चों का उठना बैठना दोस्ताना कैसे लोगों के साथ में है। अगर गलत लोगों के साथ में है तो बच्चों को उससे दूर रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर वो उस बुराई में मुब्तला ना भी होगा तो उस बुराई की बुराई उसके दिल से ख़त्म हो जाएगी और उसके अंदर बुरे काम करने का जज्बा तो पैदा ही हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों की सहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।